हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, हाल में ही एक्सिस बैंक ने एक ब्रांड न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सिस बैंक रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड। ये एक्सिस बैंक का एक मिड वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में और इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है भी या नहीं। और अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का लगे तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहां पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस जो कि है 1000 रुपीज प्लस टैक्सेस। वही अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा तो वो भी यहां पे बिल्कुल सेम है 1000 रुपीस प्लस टैक्सेस। लेकिन यहां पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 2 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहां पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड के अगर फाइनेंस चार्जेस की यहां पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो वहां पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उसका 3.6% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्जेस। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है एकदम टाइमली पे करिए, बिकॉज यहां पर जो आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो तो हैवी है ही हैं, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बहुत ही बुरी तरह से हैम्पर होगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस की यहां पर हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां पर जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड हम कैश विड्रॉल फीस की यहां पर हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो जितना भी आप कैश विड्रॉ कराओगे उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एस कैश विड्रॉल फीस। इसलिए जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ मत करिए, बिकॉज यहां पर जो चार्जेस लग रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही क्रेडिट कार्ड आपको इश्यू किया जाएगा उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1000 या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर लोगे तो यहां पे आपका एज अ वेलकम बेनिफिट दिए जाएंगे 5000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स। इस क्रेडिट कार्ड में एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 20 पैसा। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आपको 1000 रुपीस का बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप कह सकते हो एक तरफ से आपने जो क्रेडिट कार्ड के लिए जो ज्वाइनिंग फीस दी है वो यहां पे आपको वापस मिल जा रहा है। तो जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इश्यू किया जा रहा है तो 1000 रुपीस का ट्रांजैक्शन कर लो 30 डेज के अंदर, जो कि बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप कर लोगे तो आपको ये वेलकम बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। अब जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 125 रुपीज स्पेंड करोगे कहीं पर भी तो फॉर एवरी 125 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और यहां पे कोई भी कैपिंग नहीं है, मतलब कि आप जितना ज्यादा स्पेंड करोगे उतने रिवॉर्ड पॉइंट्स यहां पे आप अर्न कर सकती हो। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में स्पेंडिंग करोगे, अपीरियस में स्पेंडिंग करोगे तो यहां पे आपको बहुत ही जबरदस्त रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मतलब देखो ये दोनों कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इन कैटेगरीज में अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो फॉर एवरी 125 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन यहां पर इन्होंने एक कैपिंग लगाई है कि आप एक मंथ में मैक्सिमम 7000 रुपीज तक के स्पेंडिंग पे ही आप 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर पाओगे। अगर आप 7000 से ज्यादा अगर आप इन कैटेगरीज में स्पेंडिंग करते हो तो वहां पर फिर नॉर्मल आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जो कि 125 पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो एक मंथ में आप मैक्सिमम 200 रुपीज तक के अप्रोक्स आप सेविंग कर सकते हो इन जगहों में स्पेंडिंग करके। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में स्पेंडिंग करते हो, एडुकेशन में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स अगर आप करते हो, यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करते हो, रेंट का पेमेंट करते हो, फ्यूलिंग कराते हो, वॉलेट लोड्स करते हो, तो इन जगहों में अगर आप स्पेंडिंग करोगे अपने क्रेडिट कार्ड से तो यहां पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट जो है आपको नहीं मिलेगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहां पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। देखो कोई भी बैंक चाहती है कि आप उसे क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस क्रेडिट कार्ड के अगर माइलस्टोन बेनिफिट की यहां पे हम बात करें तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक मंथ में अगर आप 30000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहां पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट दिए जाएंगे 1500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया इस क्रेडिट कार्ड का एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो है 20 पैसा। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आपको होने वाला है 300 रुपीज का बेनिफिट अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक मंथ में 30000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो। लेकिन एक चीज का यहां पे आपको ध्यान देना है कि यहां पर भी कुछ कैटेगरीज है जहां पे आपका स्पेंडिंग कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर आप इंश्योरेंस में स्पेंडिंग करोगे, वॉलेट में, रेंट में और कैश विड्रॉल अगर आप कराओगे तो इन चार
कैटेगरीज में अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो ये आपका माइलस्टोन बेनिफिट वाले सेक्शन का कैलकुलेशन में नहीं काउंट किया जाएगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपके पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा 30% का ऑफ ऑन स्विगी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्विगी से फूड ऑर्डर करोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको जो मिनिमम फूड ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए वो 200 रुपीज का होना चाहिए और जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो 150 रुपीज तक का ही मिलेगा। और ये वाला जो बेनिफिट है ना वो आप एक मंथ में यहाँ पे दो बार ले सकते हो। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिलेगा। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में दो कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलेंगे और जैसा कि आप जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारी सर्विसेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। जैसे कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको सर्व किया जाता है, आप वहां पे वाईफाई यूज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप एक साल में टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट जो है वो आप कर पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है डाइनिंग डिलाइट का बेनिफिट। अगर आप एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाकर अगर आप डाइनिंग करोगे और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा अप टू 15% का डिस्काउंट और जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको एक ट्रांजेक्शन में मिलेगा वो 500 रुपीज तक का ही होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ उससे पहले चेक कर लो कौन से हैं एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स और फिर वहीं पे जाकर डाइनिंग करो और अप टू 15% तक का जो डिस्काउंट है वो अवेल कर लो। आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत अच्छे इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा 1 लाख रुपीज का परचेस प्रोटेक्शन का बेनिफिट, $300 का आपको यहाँ पे कवरेज मिलेगा इन केस ऑफ डिले ऑफ चेक इन बैगेज, लॉस ऑफ ट्रैक ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स, 500 रुपीज का आपको कवरेज मिलेगा इन केस ऑफ लॉस ऑफ चेक इन बैगेज, 1 लाख रुपीज का क्रेडिट शील्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत ही अच्छे इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहते हैं तो उस कार्ड का आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लेंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 18 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स के बीच होना चाहिए और यहाँ पे 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सबसे पहला हो गया आपका पैन कार्ड, दूसरा हो गया आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा हो गया रेसिडेंस प्रूफ और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका इनकम प्रूफ। अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, अगर आप बिजनेसमैन हो तो ITR सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।